नमस्कार, इजी लर्निंग ट्रे जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आखिरी मंजिल। आह, आज 3 साल गुजर गए। यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हौज, यही मैं हूं और यही दरो दीवार। मगर इन चीजों से दिल पर कोई असर नहीं होता। वह नशा जो गंगा की सुहानी और हवा के दिलकश झोंकों से दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस जरस के रह जाता है। अब वह दिल नहीं रहा। वह युवती जो जिंदगी का सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं है। मोहिनी ने बड़ा आकर्षक रूप पाया था। उसके सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक बात थी। उसे प्यार करना मुश्किल था, वह पूजने के योग्य थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिकता की दीप्ति रहती थी। उसकी आंखें, जिनमें लाज और गंभीरता और पवित्रता का नशा था, प्रेम का स्रोत थी। उसकी एक एक चितवन, एक एक क्रिया, एक एक बात उसके हृदय की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा करती थी। जब वह अपनी शर्मीली आंखों से मेरी ओर ताकती, तो उसका आकर्षण और उसकी गर्मी मेरे दिल में एक ज्वारभाटा सा पैदा कर देती थी। उसकी आंखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थीं, मगर उसके होठों प्रेम की बानी से अपरिचित थे। उसने कभी इशारे से भी उस अथाह प्रेम को व्यक्त नहीं किया, जिसकी लहरों में वह खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्रेम की कोई सीमा न थी। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। मोहिनी का प्रेम वह प्रेम था जो मिलने में भी वियोग के मजे लेता है। मुझे खूब याद है एक बार जब उसी हौज के किनारे चौंदनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों, मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। प्रेम की समस्या पर इससे ज्यादा क्षणदार, इससे ज्यादा ऊंचा ख्याल कभी मेरी नजर में नहीं गुजरा। वह प्रेम जो चितावनों से पैदा होता है और वियोग में भी हरा भरा रहता है, वह वासना के एक झोंके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। संभव है कि यह मेरी आत्मस्तुति हो, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कतरा भी मुझे बेसुध करने के लिए काफी था। मेरा हृदय इतना विशाल ही न था। मुझे आश्चर्य होता था कि मुझमें वह कौन सा गुण था जिसने मोहिनी को मेरे प्रति प्रेम से विह्वल कर दिया था। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता, मर्दानगी का जौहर, यही वह गुण हैं जिन पर मोहब्बत निछावर होती है। मगर मैं इनमें से एक पर भी गर्व नहीं कर सकता था। शायद मेरी कमजोरियों ही उस प्रेम की तड़प का कारण थीं। मोहिनी में वह अदाएं न थीं जिन पर रंगीली तबीयतें फिदा हो जाया करती हैं। तिरछी चितवन, रूप गर्व की मस्ती भरी हुई आंखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कराहट, चंचल वाणी, उनमें से कोई चीज यहूं न थी। मगर जिस तरह चौंत की मध्यम सुहानी रोशनी में कभी कभी फुहारें पड़ने लगती हैं, उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कराहट कौंध जाती और आंखें नम हो जाती। यह अदा न थी, सच्चे भावों की तस्वीर थी जो मेरे हृदय में पवित्र प्रेम की खलबली पैदा कर देती थी। शाम का वक्त था, दिन और रात गले मिल रहे थे। आसमान पर मतवाली घटाएं छाई हुई थीं और मैं मोहिनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी बयार और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भाव को जगा दिया करती हैं। वह मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिलों पर छाया हुआ था, उस पर मैं हजारों होशमंदियों को कुर्बान कर सकता हूं। ऐसा मालूम होता था कि उस मस्ती के आलम में हमारे दिल बेताब होकर आंखों से टपक पड़ेंगे। आज मोहिनी की जबान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी और उसकी प्रेम में डूबी हुई बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था। एकाएक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उस उद्विग्न उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जाता था और उसका चमकता हुआ अक्स थिरकता और नाचता एक पुछल तारे की तरह पानी को आलोकित कर रहा था। आह, उस नन्ही सी जान की क्या बिसात थी। कागज के चंद पुर्जे, बांस की चंद तीलियां, मिट्टी का एक दिया की जैसे किसी की अतृप्त लालसाओं की समाधि थी, जिस पर किसी दुख बंटाने वाले ने तरस खाकर एक दिया जला दिया था। मगर वह नन्ही सी जान, जिसके अस्तित्व का कोई ठिकाना न था, उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराती, भंवरों से हिलकोरें खाती, शोर करती हुई लहरों को रौनती चली जाती थी। शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचलों में छुपा लिया था।
जब तक वह दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झकोरे लेता दिखाई दिया। मोहिनी टकटकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही। जब वह आंख से ओझल हो गया तो वह बेचैनी से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिए को देखूंगी। जिस तरह हलवाई की मनभावन पुकार सुनकर बच्चा घर से बाहर निकल पड़ता है और चाव भरी आंखों से देखता और अधीर आवाजों से पुकारता उस नेमत के थाल की तरफ दौड़ता है, उसी जोश और चाव के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियों बनी हुई थीं। हम दोनों तेजी के साथ नीचे उतरे और किनारे पहुंचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर जोर से कहा, अभी है, अभी है, देखो वह निकल गया। वह बच्चों का सा उत्साह और उद्विग्न अधीरता जो मोहिनी के चेहरे पर उस समय थी मुझे कभी न भूलेगी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, उस दिए से ऐसा हार्दिक संबंध, ऐसी विह्वलता क्यों? मुझ जैसा कवित्व शून्य व्यक्ति उस पहेली को जरा भी न बूझ सका। मेरे हृदय में आशंकाएं पैदा हुईं। अंधेरी रात है, घटाएं उमड़ी हुई, नदी बाढ़ पर, हवा तेज, यह इस वक्त ठहरना ठीक नहीं। मगर मोहिनी, वह चाव भरे भोलेपन की तस्वीर, उसी दिए की तरफ आंखें लगाए चुपचाप खड़ी थीं और वह उदास दिया ज्यों हिलता मचलता चला जाता था, न जाने कहूं किस देश। मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, गया, बुझ गया होगा? और इसके पहले कि मैं जवाब दूं, वह उस डोंगी के पास चली गई जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी की सैरें किया करते थे और प्यार से मेरे गले लिपटकर बोली, मैं उस दिए को देखने जाऊंगी कि वह कहां जा रहा है, किस देश को। यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल ली। जिस तरह पेड़ों की डालियों तूफान के झोंकों से झंकोले खाती हैं, उसी तरह यह डोंगी डोंवाडोल हो रही थी। नदी का वह डरावना विस्तार, लहरों की वह भयानक छल्लौंगें, पानी की वह गर्जती हुई आवाज, इस खौफनाक अंधेरे में इस डोंगी का बेड़ा क्यों कर पार होगा? मेरा दिल बैठ गया, क्या उस अभागे की तलाश में यह किश्ती भी डूबेगी? मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में न था। उसी दिए की तरह उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गर्जती हुई नदी में बहा जा रहा था। मतवाली घटाएं झुकती चली आती थीं कि जैसे नदी के गले मिलेंगी और वह काली नदी यों उठती थी कि जैसे बदलों को छू लेंगी। डर के मारे आंखें मुंदी जाती थीं। हम तेजी के साथ उछलते, कगारों के गिरने की आवाजें सुनते, काले काले पेड़ों का झूमना देखते चले जाते थे। आबादी पीछे छूट गई, देवताओं को बस्ती से भी आगे निकल गए। एकाएक मोहिनी चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, अभी है, अभी है, देखूं वह जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा, वह दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जाता था। उस दिए को देखते हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने यह राग अलापना शुरू किया। मैं साजन से मिलन चली कैसा तड़पा देने वाला गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज, प्रेम और आंसुओं में डूबी हुई। मोहक गीत में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति होती है, वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठाकर कल्पना लोक में पहुंचा देता है। मेरे मन की आंखों में उस वक्त नदी की पुरशोर लहरें, नदी किनारे की झूमती हुई डालियों, सनसनाती हुई हवा सबने जैसे रूप धर लिया था और सब की सब तेजी से कदम उठाए चली जाती थीं अपने साजन से मिलने के लिए। उत्कंठा और प्रेम से झूमती हुई ऐ युवती की धुंधली सपने जैसी तस्वीर हवा में, लहरों में और पेड़ों के झुरमुट में चली जाती दिखाई देती और कहती थी, साजन से मिलने के लिए। इस गीत ने सारे दृश्य पर उत्कंठा का जादू फूंक दिया। मैं साजन से मिलन चली साजन, बसत कौन सी नगरी में, बौरी ना जानू ना मोहे आस मिलन की, उससे ऐसी प्रीत भली मई साजन से मिलन। चली मोहिनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में एक बहुत मध्यम रसीला स्वप्निल स्वर क्षितिज के उस पार से या नदी के नीचे से या हवा के झोंकों के साथ आता हुआ मन के कानों को सुनाई देता था। मैं साजन से मिलन चली मैं इस गीत से इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल न रहा कि कहूं हूं और कहूं जा रहा हूं।
दिल और दिमाग में वही राग गूंज रहा था। अचानक मोहिनी ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने दिए की तरफ देखा। उसकी रोशनी मंद हो गई थी और आयु की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वह एक बार जरा भभका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती गायब हो गई। मोहिनी ने धीमे से कहा, अब नहीं दिखाई देता, बुझ गया। यह कहकर उसने एक ठंडी सांस ली। दर्द उमड़ आया, आंसुओं से गला फंस गया, जबान से सिर्फ इतना निकला, क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। मोहिनी की बेचैनी और उत्कंठा, अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बरबस मेरी आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी। क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफर की यही आखिरी मंजिल थी? दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वह कवि स्वभाव की स्त्री थी। रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक हृदय पर बहुत असर पैदा किया था। हंसी उसके होंठों पर यूं ही बहुत कम आती थी। हां, चेहरा खिला रहता था। आज से वह हंसमुखपन भी विदा हो गया। हरदम चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती और बातें ऐसी जिनसे हृदय छलनी होता था और रोना आता था। मैं उसके दिल को इन ख्यालों से दूर रखने के लिए कई बार हंसाने वाले किस्से लाया, मगर उसने उन्हें खोलकर भी न देखा। हां, जब मैं घर पर न होता तो वह कवि की रचनाएं देखा करती, मगर इसलिए नहीं कि उनके पढ़ने से कोई आनंद मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने के लिए ख्याल मिल जाता था और वह कविताएं जो उस जमाने में उसने लिखी दिल को पिघला देने वाले दर्द भरे गीत हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़कर अपने आंसू रोक लेगा? वह कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूबकर उनकी प्रशंसा करता तो मुझे उसकी आंखों में आत्मा के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता। हंसी दिल्लगी और रंगीनी मुमकिन है कुछ लोगों के दिलों पर असर पैदा कर सके, मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द के भावों से पिघल ना जाएगा? एक रोज हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे। शाम का वक्त था और चैत का महीना। मोहिनी की तबीयत आज खुश थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके होंठों पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी थी। जब शाम हो गई और पूरनमासी का चौंध गंगा की गोद से निकलकर ऊपर उठा तो हम इसी हौज के किनारे बैठ गए। ये मौलसिरियों की कतार और ये हौज मोहिनी की यादगार है। चौंदनी में बिसात आई और चौपड़ होने लगी। आज तबीयत की ताजगी ने उसके रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किए देती थीं। मैं कई बाजियों खेला और हर बार हारा। हारने में जो मजा था वह जीतने में कहूं, हल्की सी मस्ती में जो मजा है वह छकने और मतवाला होने में नहीं। चांदनी खूब छिटकी हुई थी। एकाएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वह उस पार कैसी रोशनी नजर आ रही है। मैंने भी निगाह दौड़ाई, चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टाल कर कहा, सौंझी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और आंखें नम हो गईं। ऐसे दुख देने वाले दृश्य उसके भावुक और दर्दमंद दिल पर वही असर करते थे जो लू की लपट फूलों के साथ करती है। थोड़ी देर तक वह मौन निश्चला बैठी रही, फिर शोक भरे स्वर में बोली, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी आखिरी मंजिल।